हिटलर एक ऐसा लीडर जिसको सिनोनिम समझा जाता है डिक्टेटरशिप का। उसका जन्म होता है 20 अप्रैल 1889 को और वह धीरे धीरे नाजी पार्टी का लीडर बन जाता है और 1933 के आसपास वह बनता है चांसलर जर्मनी का। हिटलर एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट और एंटी सेमेटिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता था जिसके कारण यह कई दूसरे ग्रुप को लगातार हार्म करता रहता था जिसमें कि ज्यूस काफी फेमस हैं। और बढ़ती पावर के साथ हिटलर ने स्टार्ट करना शुरू किया एनेक्सेशन ऑस्ट्रिया का और चेकोस्लाविया का पोलैंड से पहले। पोलैंड को एनेक्स करने के कारण ही वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्टिंग हुई थी जिसके कारण जब जर्मनी ने एनेक्स करना चाहा था पोलैंड को, उसके बाद फ्रांस और जो इंग्लैंड है वो भी इस वॉर में उतर गए और फाइनली डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड वॉर 2, जिसके वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि जो हिटलर की स्ट्रेटेजीज हैं वो वर्क कर रही हैं और जर्मन शायद जीत सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे 1945 को जर्मनी को डिफीट का सामना करना पड़ा। हिटलर एक टोटेलियरियन लीडर था जो कि स्टेब्लिश करता था कंसंट्रेशन कैंप और उसमें लोगों को सिस्टमेटिकली मिलियंस ऑफ पीपल्स को मर्डर किया जाता था, तो ये बहुत ही क्रूर था। जैसे जैसे वॉर एंड की ओर था तो 30 अप्रैल 1945 को अपने बंकर में ही हिटलर ने सुसाइड कर लिया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ इस तरह था। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।